हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल ट्रायोटेक लर्निंग। जैसा मैंने ये एक जर्नी स्टार्ट की, एक पाथ स्टार्ट किया वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स का, जिसके अंदर हमने जो पहला स्टेप है, जो पहला सेक्शन आप बोल सकते हो या मॉड्यूल बोल सकते हो, वो था किक स्टार्ट एंड प्लानिंग। तो बेसिकली हमने जो इस पूरे जर्नी को एक स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने डिवाइड किए थे लर्निंग सेक्शंस को, जिसमें थिंक बिफोर स्टार्ट हमने कवर किया था, दूसरा कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट कवर किया था। तो ये जो दो सेक्शंस के जो इन्फॉर्मेशन है, आप प्रीवियस वीडियोस को देख के कर सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं जो आप मिस ना करें, और कंप्लीट जर्नी को कोशिश करें कंप्लीट करने को। तो जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड आपको आएंगे, वो जिस आप पूरा देख सकते हैं। तो जो इसमें तीसरा स्टेप था, डिफाइन योर नेविगेशन, उसके बारे में इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो जो कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट था, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेस्ट और यूज़र फोकस एंड वेबसाइट गोल। तो वेबसाइट का गोल क्या है, यूज़र का जो फोकस क्या है, जो यूज़र जो डेटा चाहता है एक वेबसाइट से, उसके बेस्ड ऑन हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जो डिफरेंट सोर्सेज से हो सकती है, अगेन वो इन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के बारे में हो सकती है। तो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, उसके रिलेटेड हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, और जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, उसको हमने सेक्शंस वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो कंप्लीट टेक्स्ट होती है, क्लस्टर ऑफ डेटा हो सकता है, तो उसको हमने सेक्शन ऑफ एरिया के हिसाब से इन्फॉर्मेशन हमने इंफॉर्मेशन हमने डिवाइड कर लिया। तो जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, ये जो चार सेक्शंस थे, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो रहते हैं सिंगल फाइल रहते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट फोल्डर्स क्रिएट किए थे। और जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन थे, उसको हमने एरिया ऑफ सेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया था। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, जिससे आप कंप्लीट जर्नी को समझ पाएंगे, डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी इसके अंदर। तो जो भी सेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने, जैसे अबाउट स्कूल फैसिलिटी, सो अगेन जो ये जर्नी है, उसके अंदर हम एक लाइव एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो एक एट द एंड एक कंप्लीट वेबसाइट को डिलीवर करेगा, वो है एक स्कूल की वेबसाइट के बारे में। सो होपफुली जो भी कंटेंट हमने स्कूल के बारे में कलेक्ट किया है, वो है अबाउट स्कूल फैसिलिटीज, फैकल्टी, एकेडमिक, एडमिशन, गैलरी, वीडियोस एंड कॉन्टैक्टर्स। सो आपको जो ये टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये हो सकता है कि आपको ना मिले। तो फॉर एग्जांपल, आप खुद से ये इन्फॉर्मेशन या जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इससे रिलेटेड आप खुद से ही सोच के लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, सो प्लीज़ जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं स्कूल की, अदर वेबसाइट्स आप गूगल करके या सर्च करके देख सकते हो, सो उनसे इंफॉर्मेशन का आइडिया ले सकते हो। सो प्लीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉपी मत करें, जस्ट उससे एक आइडिया ले और अपना जो कंटेंट है वो खुद ही लिखें, ट्राई करें जितना भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है, उसको सेक्शंस वाइज हमने डिवाइड किया, जैसे अबाउट स्कूल फैसिलिटीज, फैकल्टी, इस तरीके से। तो जितने सेक्शंस हमने डिवाइड किए हैं, उतने सेक्शंस को सपोज हमने पहले पेज पे लिख लिया यहाँ पे। तो अगर आप किसी बुक को देखते हो, तो बुक का जो इनिशियल पेजेस में रहता है, वो पहला पेज जो रहता है, या पहले सेट ऑफ पेजेस में जो इम्पोर्टेंट पेज रहता है, वो इंडेक्स पेज रहता है, अगर आपको पता होगा। तो इंडेक्स पेज का मतलब क्या होता है, कि पूरे बुक के अंदर जो डिटेल रहने वाला है, उनको हम चैप्टर वाइज एक एक करके लिखते हैं। मतलब आप देखते हो, इंडेक्सिंग करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को, और वहाँ से आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आई है, कौन से पेज नंबर पे आ गया। तो बेसिकली इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया, पूरे बुक का हम एक नेविगेशन क्रिएट करते हैं। सिमिलरली वेबसाइट के अंदर भी जो नेविगेशन होता है, और एक वेबसाइट जो रहती है, ये कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस की रहती है, क्योंकि हम एक ही पेज पे पूरे वेबसाइट का डेटा नहीं दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने कंटेंट को डिवाइड किया रिलेटेड सेक्शंस में, और हर सेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने एक एक पेज पे लिखी है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, और हर सेक्शन ही एक तरीके से एक वेब पेज को डिलीवर करता है। तो यहाँ पे अगर एक स्कूल की वेबसाइट
के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जो वेब पेजेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं अबाउट स्कूल फैसिलिटी फैकल्टी एकेडमिक एडमिशन, इनके अलावा भी अदर पेजेस, बस बट जस्ट एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। तो ये जो पेजेस आपको दिख रहे हैं एक तरीके से एक वेबसाइट के इंडेक्स को डिलीवर करते हैं, मीन्स वेबसाइट का जो नेविगेशन होता है। तो यहाँ पे वेबसाइट के नेविगेशन की अगर हम बात करें तो जैसे पहला पेज होगा आपका अबाउट स्कूल का, दूसरा पेज होगा फैकल्टीज का, तीसरा पेज होगा फैसिलिटीज एकेडमिक्स, चौथा एडमिशन पेज हो सकता है, गैलरी वीडियोस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज। तो बेसिकली ये जो डेटा हमने सेक्शंस वाइज डिवाइड किया है उनके बेस पे हम एक वेबसाइट का नेविगेशन डिलीवर करते हैं, नेविगेशन डिफाइन करते हैं। तो इसके बाद का जो स्टेप रहता है वो रहता है कि डिफाइन योर नेविगेशन। तो अगर आपको पता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, किस किस सेक्शंस की इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जिसको हमने पहले ही उसको अच्छे तरीके से लिख लिया है, अच्छे तरीके से सेक्शन कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, तो आसानी से हमको पता चल जाता है कि वेबसाइट का नेविगेशन क्या होने वाला है, वेबसाइट के अंदर पेजेस क्या बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि टाइम टू डिफाइन योर नेविगेशन बेस्ड ऑन योर कैटेगराइज कंटेंट अंडर रिलेटेड सेक्शंस, मींस जो कैटेगराइज कंटेंट हमने बनाए हैं रिलेटेड सेक्शंस के हिसाब से, जैसे अबाउट स्कूल का अलग बनाया, एडमिशन एकेडमिक का अलग अलग सबका बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम वेबसाइट का नेविगेशन डिफाइन करते हैं। दूसरा है कि जब हमने नेविगेशन डिफाइन कर लिया है तो हर आइटम से रिलेटेड हम एक HTML पेज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो HTML पेज, तो इसके बारे में HTML क्या है, किस तरीके से इसके आगे की कोडिंग हम इसके ऊपर करेंगे, ये आप अपकमिंग वीडियोस में आएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जो कंप्लीट जर्नी है वो आप देख सकें। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो भी नेविगेशन, जो भी हमने कैटेगराइज सेक्शंस बना रखे हैं, जो भी हमने एक इंडेक्सिंग बना रखी है, उसके हिसाब से हम हर एक पेज का या हर एक सेक्शन का एक HTML पेज क्रिएट करेंगे। तो HTML पेज का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हर एक टाइप ऑफ फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे आपका इमेज के एक्सटेंशन .jpg png जेफ इमेजेस हो सकती है, किसी वीडियो का MP4 हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर का exe हो सकता है, तो टेक्स्ट का .txt होता है। तो डिफरेंट फाइल्स टाइप का एक एक्सटेंशन होता है जिससे सिस्टम को पता चलता है कि ये फाइल किस तरीके का है और किस सिस्टम या किस सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना है। तो जो भी हमने अपने इंडेक्सिंग पेजेस बना रखे हैं उन हर आइटम के ऊपर हम एक HTML पेज क्रिएट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक अबाउट स्कूल का पेज हमको बनाना है, तो उसको कॉपी करें, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएं, राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, यहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये जब आपको खुलता है तो इसको आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करके भी कर सकते हैं और अपने कर्सर से भी कम्प्लीटली सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल नेम के साथ रिप्लेस करें और कोशिश करें कि सारे लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। तो ये हमने लिखा और दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस है तो प्लीज़ उसको डैश के साथ का फिल करें। इसके बारे में हम बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे के प्रीवियस चैप्टर्स में। सो अभी के लिए जो भी पेजेस आप बना रहे हो उसको इस तरीके से इसको आप यस करें तो ये आपका एक HTML पेज क्रिएट हो गया है। इस तरीके से आप जो अदर सेक्शंस हमने बनाए, जैसे हमने फैसिलिटीज़ का एक बनाया, तो अब फैसिलिटीज़ को कॉपी करें, राइट क्लिक करें, वही प्रोसेस करें, न्यू करें, सेलेक्ट करें, पेस्ट करें और जो लेटर्स आपका कैपिटल है उसको स्मॉल में क्रिएट करें, HTML करें, बाहर क्लिक करें, आपसे यस करें। सो ये फैसिलिटीज का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे पेजेस आपको क्रिएट करने हैं जो भी आपको यहाँ पे हमने दिखाए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि आपके वेबसाइट के फोल्डर्स के अंदर जितने HTML पेजेस, जितने वेब पेजेस बनने हैं वो एक एक करके आप बना लोगे। सो अभी के टाइम पे आपने क्या किया, अपने वेबसाइट का एक नेविगेशन डिफाइन कर दिया कि मतलब हमारे पेज में, वेबसाइट्स में क्या क्या पेजेस आने वाले हैं। अब यहाँ के बाद का जो सेक्शन रहने वाला है उसके अंदर हम कोडिंग को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो
प्लानिंग सेक्शन था जिसके अंदर हमने सोचा, समझा, डेटा कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए, देन उस फोल्डर स्ट्रक्चर और कैटेगराइज कंटेंट के हिसाब से हमने अपने एचटीएमएल पेजेस बनाए जो कि हमारे वेबसाइट के नेविगेशन को एक तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक आपको जो समझ में आया है, जो भी अगर कुछ कंसर्न है, अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत ही लेंदी हो रहा है या किस सेक्शन में समझ में नहीं आ रहा, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है, जो कंसर्न है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बताइए, जिससे हम और डिटेल्स में और अधिक बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अभी ये जो पहला हमारा मॉड्यूल था किक स्टार्ट और प्लानिंग जो हम अभी तक कर रहे थे, जिसके अंदर थिंक बिफोर स्टार्ट था, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट था और डिफाइन और नेविगेशन था, ये हमारा जो पहला मॉड्यूल है ये हमने वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसके अंदर कंप्लीट किया है। और प्लीज़ आप कोशिश करें कि इस जो भी एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, जिस तरीके का कंटेंट लेके चल रहे हैं, उसको ट्राई करें। बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत इसके अंदर करना नहीं है। आप सभी एक तरीके से फैमिलियर हैं वेबसाइट्स के साथ, तो जस्ट आप सोचें कि इस वेबसाइट्स के अंदर किस तरीके से कंटेंट्स हम कैप्चर करेंगे, उसको डिवाइड कैसे करेंगे, उसको सेक्शन वाइज कैटेगराइज करना, फोल्डर क्रिएट करना और हर सेक्शंस के हिसाब से एक पेज क्रिएट करना, और वही जो लिस्ट ऑफ पेजेस हमारे बनते हैं वही हमारे पेज के नेविगेशन को डिफाइन करते हैं, जिससे यूज़र एक पेज से दूसरे पेज पे जा सके। तो अभी के लिए हमारा जो वीडियो था वो था डिफाइन और नेविगेशन के ऊपर। हमने वेबसाइट का एक नेविगेशन डिफाइन कर लिया है जिसके अंदर हमने अभी एग्जांपल में अबाउट स्कूल और फैसिलिटीज़ का .html पेज बनाया। सो प्लीज़ बाकी पेजेस भी क्रिएट करें सिमिलर प्रोसेस के साथ, और होपफुली हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसके फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Please subscribe and click on bell icon so that you can have the every updates regarding this course or path. So thank you for watching this. Thanks.